साथियों, आज हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लाए हैं, आज़ादी के तराने। ये कार्यक्रम विशेष इसलिए है कि खास आपके लिए तैयार किया है, आपकी रुचि को देखते हुए, आपके लिए, आपके अनुभव के अनुसार, आपके मनोवृत्ति के अनुसार। आज़ादी की कहानी आप सब ने सुनी होगी, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, किस प्रकार हम पराधीन थे। भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई सिसक रही थी, सारा भारतवासी चीत्कार कर रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि हम कोई भी काम अपनी मर्जी का नहीं कर पाते थे। न व्यापार, न लेन देन, न खेतीबाड़ी, न खरीद फरोख्त, किसी भी प्रकार के काम को करने में हमें आज़ादी नहीं थी। हर चीज़ में अंग्रेज़ों की हुकूमत और अंग्रेज़ों का शासन। पूरे भारत में विद्रोह की लहर फैलने लगी और देखते ही देखते विद्रोह की चिंगारी पूरे देश में फैल गई। इस विद्रोह में, इस आज़ादी की लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी। किसी ने न घर देखा, न बाहर देखा, न आगन देखा, पीछा देखा, और इस लड़ाई में एकजुट होकर तत्पर हो गए। आज़ादी की इस लड़ाई में न मालूम कितने लोगों ने अपनी जाने दी। सत्याग्रही सत्याग्रह करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए। न मालूम कितने रणबांकुरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले लगा लिया। इतने लोगों के त्याग और बलिदान के बाद भी एक ऐसी चीज थी जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा और सारे सत्याग्रह को एक नया मोड़ दिया। ये थे आज़ादी के वे तराने जो उस समय हर भारतवासी की चेतना का स्पंदन बन गए थे। पूरा भारतवर्ष एकता की एक ऐसी लहर में बह उठा कि सारा देश एक हो उठा, सब एक साथ मिलकर एक साथ गा उठे वंदे मातरम। 1857 की लड़ाई में एक ऐसा जंग छिड़ा जिस पूरे जंग ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधकर चेतना के साथ जोड़ दिया। और इस लड़ाई की गाथा, इस अनोखी गाथा की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज इस कार्यक्रम के द्वारा, जिसका शीर्षक है आज़ादी के तराने, आपके लिए, खास आपके लिए। माँ और मातृभूमि की
वंदन। अरे अरे क्या बोल रहे हो, कुछ पता भी है? कभी गणपति की स्तुति, कभी मातृ वंदन, कुछ सोच समझ कर नाटक शुरू करो वरना। क्या क्या कुछ गलत कह दिया? गणपति जी की मातृ भक्ति की कथा नहीं सुनी है? कौन सी कथा? वही जिसमें शिव जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी को समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा। अब कार्तिकेय जी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी माँ की परिक्रमा करके माँ और मातृभूमि दोनों की महत्ता दिखाई। हाँ हाँ याद आई वो कथा, बड़ी गहरी बात थी उसमें। पर वो तो गुजरे जमाने की नीत कथा, हमें तो अपने मातृभूमि की ये कथा कहनी। उस समय हमारा देश एक तूफानी दौर से गुजर रहा था, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। भारत माता गुलामी की जंजीरों में बिलख रही थी। वही आजादी के लड़ाई के स्वर बिखरे पड़े। आजादी की लड़ाई किसानों की, जमींदारों की, जुलाहों की, हड़तालों की, मजदूरों की, शिल्पकारों की, आदिवासियों की, बंजारों, राजाओं की, सूबेदारों की, फौजों की, सिपा सलारों की, सेठों की, साहूकारों की, लेनदारों की, देनदारों की, सबकी। न जाने कितनों ने भीषण यातनाएं सही, न जाने कितने फांसी पर चढ़े। किसी ने इस लड़ाई को गोला बारूद से लड़ा, तो किसी ने सत्याग्रह व अहिंसात्मक आंदोलन की राह में। सबके स्वर अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक था, आजादी। वंदे मातरम। ये वो वक्त था जब अंग्रेजों ने संपन्न देश को बेकार, लाचारी, भुखमरी से गरीब और विपन्न बना दिया। सुनो जी,
दो दिन से चूल्हा नहीं जला है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बेचारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, उन्हें कैसे समझाओ? गोरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लगान देते देते हम भूखो मर रहे हैं, हमारे खेत छीन लिए, मनमाना अत्याचार कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करें क्या। ऐसे बैठे बैठे क्या होगा, जाओ जमींदार के यहाँ से कुछ मांग लो। अरे बहुत बुरा वक्त है, बड़े बड़े जमींदार लाचार हो गए हैं, उनकी जमींदारी छीन ली है इन गोरे साहबों ने। अरे कीड़े पड़े इन साहबों को, कहीं से कुछ तो लाओ, जाओ। कब तक, आखिर कब तक हाथ पर हाथ डाले ऐसे ही बैठे रहे, हाथ करके खाली पड़े, कपास कपास का जबरन विलायत भेजा जा रहा है और वहां से मशीन का बुना कपड़ा आता है जिसका दाम 10 गुना ज्यादा, और हम तो बेरोजगार हो गए, घर में ना भात नहीं है ना अनाज, और इन साहबों के ढांटे को इनकी बीमार बच्चों की नवादी, बाजार में सब कुछ मिल रहा है पर नंगा क्या नहाए और क्या निचोड़े, हमारे बच्चे काले को तरस रहे हैं और फिरंगी फिरंगियों की बहुत बारा हो रही है, हर तरफ लूट ही लूट, लूट ही लूट। अरे भाई तुम जुलाए ही नहीं, हम सभी का यह हाल है, जमींदारों की जमींदारी छिन गई, राजाओं का राज, सभी के पेट पर लात मारी है इन गोरे साहबों ने। अरे तुमने कुछ सुना क्या, जो राजा और नवाबों के वारिस नहीं तो वो आप अच्छा गोद नहीं ले सकते, उनका राज फिर के कब्जे में होगा। हाँ साहबों ने नया कानून बना दिया है और अगर किसी ने उसकी मुखालिफत की ना तो जेल खाने में बंद, डर हो जाए फिरंगी का नाम। ये फिरंगी बहुत चतुर और मक्कार है, किसकी जब चाह पदवी छीन ली और जब चाह पेंशन बंद, राजा और नवाबों की तो कौड़े की इज्जत रह गई है। हाँ, जहाज मिलाकर हमारे खजाने विलायत भेजे जा रहे हैं और हम लोग जहां कंगाल होते जा रहे हैं, खुदा का कहर टूटे फिरंगियों पर। पता है तुम्हें? हाँ पता है, इन अंग्रेजों ने हमारे मुल्क को गुलाम बना दिया है और हमको कुत्ता समझा है। अरे तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? नई इनफील्ड राइफलों की कारतूसों की कागज में गाय की चर्बी लगी है, गाय की चर्बी गौ माता की। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे सुनो तो, और दूसरे कारतूसों के कागज में सुअर की चर्बी लगी है, सुअर की चर्बी। ये सब हम हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र है। इतनी घटिया हद तक पर उतरा है अंग्रेज, बैरकपुर छावनी में इन्हीं कारतूसों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है सिपाही मदन पांडे ने। अगर इस घिनौनी हरकत के खिलाफ हम सब इकट्ठे नहीं हुए तो लानत है हम और हमारे धर्म पर। मैं यही खबर लाया हूँ, हम सब पर अंग्रेजों के इस निर्मम व्यवहार के लिए सारे देश के सिपाही एक साथ 31 मई को रोटी और कमल के फूल को प्रतीक बनाकर बगावत का झंडा उठाएंगे। बोलो क्या कहते हो? हम सब तैयार हैं। Yeah.
देखा आपने आजादी की लड़ाई की इस शुरुआत में जो 1857 की चिंगारी के रूप में शुरू हुई, धधकते धधकते पूरे भारतवर्ष में फैल गई। जब मंगल पांडे ने युद्ध का ऐलान किया तो पूरे सिपाही उस युद्ध में एकजुट होकर भाग लेने लगे। देश के सारे लोग, क्या बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या स्त्री क्या पुरुष, राजा जमींदार साहूकार सेठ, सब उस लड़ाई का हिस्सा बन गए और पूरा भारत इस लड़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया। लेकिन इस लड़ाई में जिस चीज ने सबके अंदर चेतना उत्पन्न की वो थे वे गीत या तराने, जिसने पूरे भारत में स्फूर्ति की लहर फैलाई, चेतना की लहर फैलाई, जागृति की लहर फैलाई, अंधविश्वासों से लड़ने के लिए लोगों को तैयार किया, कुरूतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए लोगों को तैयार किया और पूरे देश को स्पंदित करके चेतना के लहर में बहा दिया। आज़ादी की इस लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि एकता में अपार शक्ति है। अगर पूरा भारत एक हो जाए तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अंग्रेज़ों को हटाने में कामयाब न हो पाए। इसलिए जब मंगल पांडे के युद्ध के ऐलान के बाद मेरठ की सेनाएं दिल्ली पहुंची तो सारा भारत बहादुर शाह जफर के स्वागत के लिए तैयार हो गया। बहादुर शाह जफर ने जब देश के सामने एकता का ऐलान किया, अंग्रेजों से लड़ने के युद्ध का ऐलान किया तो पूरा भारतवासी एक हो उठा। सब लोग एकता के इस युद्ध में शामिल हो गए, सबके हृदय तरंगित हो गए, सबके हृदय स्पंदित हो गए, सब चेतना की लहर में बह उठे और पूरा भारत एक हो गया। चेतना की इस लड़ाई, एकता की इस लड़ाई की झलक आप देखेंगे इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में।